हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप बात करेंगे अबाउट द मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है, इसके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना की जो प्रॉब्लम है, उस कोरोना की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंस का मेनली आप भी ध्यान रखिए। आपकी फैमिली मेंबर्स का, आपके नेबर्स को, सब लोगों को आप सोशल डिस्टेंस के यूज़ के बारे में बताइए और अपनी हेल्थ का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आज की क्लास से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेंटल हेल्थ टीम से पहले हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ और उसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ और माइलस्टोन डेवलपमेंट, इन सब की क्लासेस अपन ने ले ली है। इसके बाद जो आपके टॉपिक आता है वो आता है मेंटल हेल्थ टीम। फर्स्ट वन अपन वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में एज ए शॉर्ट नोट्स आपके यूज़ में आते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ टीम के बारे में अगर आज अपन बात करते हैं, मेंटल हेल्थ टीम आल्सो कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इट रेफर्स टू कोलेब्रेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू द पेशेंट। आप लोगों को बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेंटल हेल्थ टीम की जगह अगर आपसे पूछा जाए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से क्या मीन्स है, तो आपके शॉर्ट नोट्स में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ जाना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। मेंटल हेल्थ टीम के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ टीम क्या है, जो मेंटली इल पर्सन होता है, मेंटली इल पर्सन सेम लेवल का कभी नहीं मिलेगा आपको। मेंटली इल पर्सन में कोई माइल्ड कैटेगरी का है, कोई मॉडरेट कैटेगरी का है, कोई सीवियर कैटेगरी का है, तो अलग अलग कैटेगरी डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेशेंट मेंटली इल होता है, ठीक है। तो उस मेंटली इल पेशेंट को एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाती है, एक स्पेसिफिक सर्विस जो है वो मेंटली इल पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो उस सर्विस को कौन प्रोवाइड करवाता है, मेंटल हेल्थ टीम प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ टीम जो ये स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। वो कैंडिडेट्स कौन कौन होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है और उन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डिग्री कंपलसरी होती है, मीन्स कौन कौन सा सिलेबस है या कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा है, वो चीज़ करने के बाद ही वो उस कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ टीम की आज अपन बात करने जा रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ टीम की बात करें तो मेंटल हेल्थ टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो होते हैं 9 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स होते हैं, 9 कैंडिडेट्स होते हैं। 9 कैंडिडेट्स में कौन कौन होते हैं, फर्स्ट वन ए साइकेट्रिस्ट, फर्स्ट वन कौन सा होता है, ए साइकेट्रिस्ट। सेकेंड वन ए साइकेट्रिक नर्स, एक साइकेट्रिक नर्स। थर्ड वन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ वन ए साइकेट्रिक सोशल वर्कर, फोर्थ वन कौन होता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। नेक्स्ट वन एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सिक्स्थ वन ईसीटी टेक्नीशियन, कौन होता है, ईसीटी टेक्नीशियन। नेक्स्ट वन ए फार्मासिस्ट। एट्थ वन ए डाइटिशियन और लास्ट वन ए काउंसलर। मेंटल हेल्थ टीम की अगर अपन बात करें तो मेंटल हेल्थ टीम 9 कैंडिडेट्स से मिलकर बनी हुई होती है, जो मेंटली इल पेशेंट्स को एक स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करवाने में क्या होती है, यूजफुल रहती है। और वो मेंटल हेल्थ टीम में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, उसको आपको अच्छे से लिस्ट आउट कर लेना है कि वो कैंडिडेट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है लिस्ट आउट करना। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन तो कौन हुआ, ए साइकेट्रिस्ट। सेकंड वन साइकेट्रिक नर्स। थर्ड वन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ वन साइकेट्रिक सोशल वर्कर। फिफ्थ वन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सिक्स्थ वन ईसीटी टेक्नीशियन। सेवन्थ ए फार्मासिस्ट। एट्थ वन ए डाइटिशियन एंड लास्ट वन ए काउंसलर। अब ये 8 कैंडिडेट्स का क्या तो फंक्शन होता है और किस डिग्री डिप्लोमा वाले पर्सन इस
कैटेगरी का काम कर सकते हैं, कौन कौन से पर्सन कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, इसके बारे में अपन वन बाय वन करके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वन आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट को आप सब लोग वर्ल्ड के नाम से जानते हो। एक साइकेट्रिस्ट क्या है? एक डॉक्टर जो होता है, एक साइकेट्रिक डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट जो मेंटली इल पर्सन जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट साइकेट्रिक टीम में कौन था है? साइकेट्रिस्ट। क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट को क्या होता है? एक लीडर की तरह काम करना होता है। किसकी तरह काम करना होता है? एक लीडर की तरह काम करना होता है, एक लीडर की तरह वर्कआउट करना होता है, ताकि सारे टीम मेंबर्स उसके अकॉर्डिंग चल सके। और वो क्या कहलाएगा? एक तरीके से साइकेट्रिक डॉक्टर कहलाएगा। और ये साइकेट्रिक डॉक्टर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो भी लोग आते हैं, जो भी मेंटली इल पर्सन होते हैं, उन मेंटली इल पर्सन का डायग्नोसिस करना और उनको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ये चीज कौन डिसाइड करेगा? एक साइकेट्रिस्ट डिसाइड करता है। ठीक है, इसमें देखिए साइकेट्रिस्ट में, ए साइकेट्रिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर विथ स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्रिक। एक साइकेट्रिस्ट क्या होता है? एक मेडिकल डॉक्टर होता है, जो साथ में क्या होती है उसके? मेडिकल ट्रेनिंग, एक स्पेशल मेडिकल ट्रेनिंग वाला एक डॉक्टर रहता है, जिसे आप क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट। ही इज अकाउंटेबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी मेन साइकेट्रिस्ट होता है, वो साइकेट्रिस्ट का फंक्शन क्या होता है? वो अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? मेंटली इल पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस आर, जो अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होते हैं साइकेट्रिस्ट के, वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन देखिए, एडमिटिंग पेशेंट इनटू एक्यूट केयर सेटिंग। क्या करेगा वो? पेशेंट को एक्यूट केयर सेटिंग में एडमिट करेगा। जैसे अगर मेंटली इल पर्सन है और अगर वो सीवियरली किसी न किसी चीज़ से डिप्रेस्ड है, मेनिक है, सिजोफेनिक है, किसी भी टाइप का जो भी पेशेंट आएगा, उसको एक्यूट केयर सेटिंग में ऑन द स्पॉट क्या करेगा? डॉक्टर क्या हुआ है? एडमिट करता है। सेकंड वन, प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग साइकोफार्मेकोलॉजिकल एजेंट। उसको क्या करेगा? वो फार्मेकोलॉजिकल यानी कि मेडिकेशंस उसको प्रिस्क्राइब करेगा और उन मेडिकेशंस का बहुत ही क्लोजली तरीके से क्या करेगा? उनकी मॉनिटरिंग करेगा कि कौन सी ड्रग चल रही है, कौन से कितने टाइम देनी है, कौन सी ड्रग की कितना इफेक्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो होती है उसका ओवरऑल क्या देखना होता है? उसको इफेक्ट देखना होता है। तो वो जो भी ड्रग्स उसने प्रिस्क्राइब करी है उसका इफेक्ट क्या क्या आ रहा है, वो चीज़ किसके द्वारा डिसाइड देखी जाती है? वो एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा देखी जाती है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट लिए, एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। जो इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिस्ट। एक साइकेट्रिस्ट जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ ही ईसीटी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रोवाइड करवाने के लिए ईसीटी टेक्नीशियन होते हैं, बट ये ईसीटी टेक्नीशियन की प्रेजेंस में के अलावा इसमें किसकी ज़रूरत होती है? एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी। और क्या कंडक्ट करवानी पड़ेगी उसको? इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी भी इसको कंडक्ट करवानी होती है। मींस जैसे कोई साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट ने क्या किया? मेंटली इल पेशेंट को एडमिट कर लिया। अब जब उसको थेरेपी प्रोवाइड करवानी होती है, भले वो इंडिविजुअल थेरेपी ले रहा हो या ग्रुप में फैमिली थेरेपी ले रहा हो, तो उस थेरेपी में भी क्या होता है? साइकेट्रिस्ट की नीड रहती है। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखिए, पार्टिसिपेटिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स। जो भी इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं उसके जितनी भी मीटिंग्स होती है, उन सारी मीटिंग्स में क्या करना पड़ता है? एक साइकेट्रिस्ट को पार्टिसिपेट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, देयर लीगल पावर टू प्रिस्क्राइब एंड टू राइट ऑर्डर्स, साइकेट्रिस्ट ऑफ्टन फंक्शन एज ए लीडर ऑफ द टीम। ये एक लीगल पावर है टू प्रिस्क्राइब, देयर लीगल पावर टू प्रिस्क्राइब एंड टू राइट ऑर्डर्स। क्या है उसके पास? एक लीगल, और क्या होते हैं? कानूनी, मतलब उसके पास क्या होती है?
पावर होती है कि वो प्रिस्क्राइब कर सके, राइट कर ऑर्डर्स लिख सके कि भाई इसको कौन कौन सी मेडिकेशंस देनी है, एंड एज ए लीडर। और उसको कैसे काम करना होता है, एज ए लीडर ऑफ द मेंटल हेल्थ टीम की तरह उसको काम करना होता है। ये तो बात हुई किसकी, अबाउट द साइकेट्रिस्ट। सेकेंड वन आपको बताया साइकेट्रिक नर्स, क्या है साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स मीन्स ए साइकेट्रिक नर्स इज ए रजिस्टर्ड नर्स विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। मतलब जो साइकेट्रिक नर्स है वो रजिस्टर्ड नर्स होती है और विथ स्पेशल ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स ही एक साइकेट्रिक नर्स कहलाती है, उसको रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और केयर और ट्रीटमेंट के बारे में, साइकेट्रिक पेशेंट के केयर और ट्रीटमेंट के बारे में स्पेशल क्या होती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। शी मे हैव अ डिप्लोमा MSc एंड MPhil और PhD इन साइकेट्रिक नर्सिंग। वो या तो मिनिमम से मैक्सिमम क्या क्या हो सकती है, या तो वो डिप्लोमा धारी हो, या फिर वो MSc हो, या MPhil हो, या फिर PhD हो इन साइकेट्रिक नर्सिंग, तो वो क्या बन सकती है, साइकेट्रिक नर्स बन सकती है। और उसकी फंक्शन क्या है, सी इज अकाउंटेबल फॉर द बायो साइको सोशल नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। मतलब उसके साइकोलॉजिकल, उसके सोशल और उसे बायोलॉजिकल सारे फैक्टर्स, सारे टाइप की नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो एक साइकेट्रिक नर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और इसलिए साइकेट्रिक नर्स के फंक्शन क्या क्या रहते हैं, फंक्शंस आर एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशंस। सबसे फर्स्ट वन, साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर है आपका, वो साइकेट्रिक डॉक्टर ने आपको क्या किया, मेडिकेशंस प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब वो मेडिकेशंस जब प्रोवाइड करवाई दी तो उन प्रोवाइड की हुई मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, सबसे पहले तो क्या करेगा, वो एडमिनिस्टर करेगा। एडमिनिस्टर करने की, उन मेडिकेशंस को देने की जिम्मेदारी और उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी साइकेट्रिक नर्स की होती है। सेकेंड वन, असिस्टिंग इन न्यूमरस साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक नर्स को बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कि क्या, साइकेट्रिक नर्स को साथ में असिस्ट करवाना होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, पार्टिसिपेशन इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। थर्ड वन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। उसमें जैसे साइकेट्रिस्ट इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, वैसे ही क्या है, एक साइकेट्रिक नर्स को भी इंटरडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स में क्या होना है, क्या करना पड़ता है उसको, उसको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, टीच पेशेंट एंड फैमिलीज। क्या होता है, पेशेंट को या फैमिलीज को किसी भी टाइप की एजुकेशन या किसी भी टाइप की टीचिंग अगर देनी होती है तो ये फंक्शन किसका होता है, साइकेट्रिक नर्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट्स रिकॉर्ड। मतलब जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है, जो भी मेंटली इल पर्सन है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, साइकेट्रिक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रखने का काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्ट एज पेशेंट एडवोकेट। एक कैसे काम करना है उसको, एक पेशेंट के एडवोकेट, मतलब वो अपने आप को, साइकेट्रिक नर्स जो होती है वो अपने आप को जो भी आपका मेंटली इल पेशेंट है उसका एकदम वकील मानकर चले कि इसकी वकालत मुझे ही करनी है, तो एक्ट एज ए पेशेंट एडवोकेट, ठीक है बेटा। उसके बाद में देखिए, इंटरेक्ट विथ पेशेंट सिग्निफिकेंट अदर। इंटरेक्ट विथ पेशेंट्स सिग्निफिकेंट अदर, जैसे वो अदर्स के साथ क्या होता है, सिंपल कॉन्टेक्ट में रहता है, वैसे ही सिग्निफिकेंट कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में रहना है किसके, मेंटली इल पेशेंट के लिए। ये आपने पहला देखा साइकेट्रिस्ट, दूसरा सेकेंड वन साइकेट्रिक नर्स। थर्ड वन अपन बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्या होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनता है उसको PhD होल्डर होना नेसेसरी होता है। जैसे कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शुड हैव ए मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग्स। जहाँ भी मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूट हों
उस इंस्टीट्यूट में जो पीएचडी इन साइकोलॉजी हो या मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी जो होते हैं, उनको वो डिग्री करने के बाद क्या होता है, उनको वहाँ पर समटाइम्स फॉर समटाइम्स उनको ट्रेनिंग लेनी होती है। वहाँ पर वो ट्रेनिंग से वो लर्न करते हैं कि कैसे एक मेंटली इल पेशेंट को क्या है क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो वो जब उसकी डिग्री जो मास्टर डिग्री होती है इन साइकोलॉजी और पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग ले लेता है तो उसको उस बाद में लर्न करना होता है कि वो प्रोवाइड कैसे की जाती है, जिसके लिए उसे क्या होता है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ही इज़ अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो आपका मेंटली इल पेशेंट है उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। क्या क्या, ही इज़ अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पर्सन, तीनों चीज़ों के लिए जो डिग्री होती है साइकोलॉजी में या पीएचडी होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस के लिए, जो मेंटली इल पेशेंट है उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट वन, ही ऑफर डायरेक्ट सर्विस सच एज इंडिविजुअल फैमिली एंड मैरिटल थेरेपीज, मतलब उसको अलग अलग टाइप के डायरेक्शन और सर्विसेज जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है, जैसे कि वो कोई भी थेरेपी है या कोई भी गाइडेंस है तो वो इंडिविजुअल के बारे में या फैमिली के बारे में तो या उसके मैरिड लाइफ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में क्या होती है उसे प्रोवाइड करानी पड़ती है गाइडलाइन। ठीक है, ये फंक्शन होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। फोर्थ वन अपन देखते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मास्टर्स डिग्री होती है उनके पास सोशल वर्क की, और या फिर वो पीएचडी डिग्री होते हैं, बट वो क्या होता है वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैमिली केस वर्क के लिए और कम्युनिटी प्लेसमेंट के लिए पेशेंट्स के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, उसका 1 to 2 years ट्रीटमेंट चलता है मेंटल हॉस्पिटल्स में, ठीक है, उसके बाद में उसे क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या है उसको वर्क सिखाया जाता है, और फिर वर्क सिखाने के बाद जब उसको वापस कम्युनिटी में प्लेसमेंट मिलता है तो उस कम्युनिटी में प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। ठीक है, इसमें देखिए साइकेट्रिक सोशल वर्कर में, साइकेट्रिक सोशल वर्कर शुड हैव ए मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क और पीएचडी डिग्री विच स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। मेंटल हेल्थ में क्या है ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जो सोशल वर्क के बारे में और पीएचडी डिग्री वाले करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ही इज़ अकाउंटेबल फॉर, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अकाउंटेबल फॉर फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, मतलब जो फैमिली केस वर्क होता है उसके लिए, और उसके अलावा कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट, जैसे ही पेशेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर से आता है उसके बाद उसका कम्युनिटी में कहाँ प्लेसमेंट करता है करना है उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। ही कंडक्ट ग्रुप थेरेपी सेशन, वो क्या करवाता है, जैसे कम्युनिटी में मेंबर्स हो गए मेंटली इल पेशेंट के, उनको वो क्या करवाएगा, ग्रुप थेरेपी सेशन उनको प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अगर कम्युनिटी में वो मेंटली इल पेशेंट कम्युनिटी में काम करते हैं किसी विलेज में, ठीक है, उन विलेज में मान लीजिए 8 to 10 पेशेंट ऐसे हैं जो मेंटली इल थे और रिहेबिलिटेशन सेंटर से काम सीख कर कम्युनिटी में काम करने लगे, तो उन 8 to 10 पेशेंट का क्या करेगा, जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होगा वो ग्रुप थेरेपी सेशन उसको प्रोवाइड करवाएगा। ही प्रोवाइड इंटरवेंशन विद द पेशेंट इन सोशल एनवायरनमेंट इन विच ही विल लिव, वो क्या प्रोवाइड करवाता है, ही प्रोवाइड इंटरवेंशन विद द पेशेंट, वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, इंटरवेंशन विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाएगा इन सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट में, उस सोशल एनवायरनमेंट में वो पेशेंट को क्या कराएगा, इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाएगा इन विच ही विल लिव, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जहाँ अगर मेंटली इल पेशेंट है और उसको इस एनवायरनमेंट में डिप्रेशन या कोई कॉज हो रहा है तो वहाँ पर वो उसको क्या करवाएगा, इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं किसकी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अब तक अपन ने बात कर ली किस किस की, साइकेट्रिस्ट, सेकेंड वन साइकेट्रिक नर्स,
थर्ड वन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ वन साइकेट्रिक सोशल वर्कर और नेक्स्ट वन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब होता है जो पेशेंट की स्किल पावर जो होती है जॉब के लिए, जो उसकी क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करना और मोर इफेक्टिव बनाना। क्यों? क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट कम्युनिटी में मिल सके उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा किया क्या जाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेंटली इल पेशेंट के अंदर जो भी स्किल होती है उसको पहचान कर उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, ताकि उस वर्क से वो क्या कर सके, कम्युनिटी में जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट एज ए वर्कर वो काम कर सके उस फील्ड में। इसलिए उसमें यूजफुल कौन होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसमें देखिए, ही इज अकाउंटेबल फॉर रिक्रेशनल ऑक्यूपेशनल एंड एक्टिविटी प्रोग्राम। ही असिस्ट द पेशेंट टू गेन स्किल्स। किसमें असिस्ट करता है वो पेशेंट को? टू गेन द स्किल्स दैट हेल्प देम कोप मोर इफेक्टिवली टू गेन एम्प्लॉयमेंट। जिससे क्या है, वो जैसे ही पेशेंट को स्किल पावर अच्छे से सिखाता है तो वो मोर इफेक्टिवली क्या है, एम्प्लॉयमेंट और अच्छे से गेन करता है। तो ये फंक्शन किसका होता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ईसीटी टेक्नीशियन। क्या होती है ईसीटी टेक्नीशियन? ट्रेनिंग फॉर ईसीटी टेक्नीशियन ड्यूरेशन इज 6 to 9 months एंड ही इज अकाउंटेबल फॉर परफॉर्म्ड ईसीटी अंडर सुपरविजन ऑफ साइकेट्रिस्ट। ऐसा नहीं है कि ईसीटी टेक्नीशियन बनने के लिए आपको डायरेक्ट 6 to 9 months की ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं। उसके लिए आपको डिप्लोमाधारी होना होता है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, 9 months का ईसीटी टेक्नीशियन का प्रोग्राम होता है, उस ड्यूरेशन को आपको कंप्लीट करना होता है एंड ही इज अकाउंटेबल टू परफॉर्म ईसीटी अंडर सुपरविजन ऑफ साइकेट्रिस्ट। और वो फिर क्या है, ईसीटी सुपरविजन की जाती है किसके द्वारा? साइकेट्रिस्ट के अंडर में ही वो ईसीटी आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं किसकी, फार्मासिस्ट की और डाइटिशियन की। फार्मासिस्ट, ए फार्मासिस्ट हु प्रोवाइड मेडिकेशंस फॉर मेंटली इल पेशेंट। फार्मासिस्ट क्या है? ए डाइटी फार्मासिस्ट जो आपके मेंटली इल पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करवाता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक डॉक्टर्स। साइकेट्रिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन बात करते हैं डाइटिशियन। ए डाइटिशियन प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डाइट्री पैटर्न ऑफ मेंटली इल पेशेंट। मेंटली इल पेशेंट को डाइट्री प्लान भी प्रोवाइड करवाना होता है कि उसका डाइट्री प्लान कैसे रहेगा। और लास्ट वन जो मेंटल हेल्थ टीम में कैंडिडेट रहता है वो होता है काउंसलर। एक काउंसलर प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट काउंसलिंग एंड असिस्ट इन साइको एजुकेशन एक्टिविटीज़। काउंसलर क्या है? बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है। बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है और इसके अलावा असिस्ट किस में करता है? साइको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में वो कैंडिडेट मेंटली इल पेशेंट को एजुकेट करता है। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने मेंटल हेल्थ टीम की बात करी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कितने कैंडिडेट होते हैं, 9 कैंडिडेट होते हैं। कौन कौन से? साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ईसीटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन और काउंसलर। इनके लिए क्या क्या डिग्री और डिप्लोमा करना होता है और इन पर्सन्स का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, ये सारी मैंने आप चीज़ लोगों को बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।